Hey everyone, assalamu alaikum wa rahmatullah. My name is Abdul Qayyum and you know, last time jo maine aapke sath mistakes share ki thi, like what were the possible mistakes, what are the possible reasons jinko aapne avoid karna in these months of the preparation for the NEET. And today I am going to share with you in a little bit detail, one by one, each and every single thing. And in the today's discussion, we are going to discuss about overthinking and negativity, like overthinking क्या होती है, ठीक है, what are the causes, what are the consequences and how can we avoid this process, how can we avoid this overthinking process. So let's start. The first thing that is overthinking, it's normal, ठीक है, it happens with everyone. जो कोई भी student होगा, जो कोई भी, जिसने भी life में कोई बड़ी चीज़ अचीव की होती है, मतलब उसने किसी at some point at किसी भी इशू पे, किसी भी प्रॉब्लम पे उसने जो है ओवरथिंकिंग किया होगा, ठीक है. सो इट्स नॉर्मल, इट हैपन्स विथ ईच एंड एवरी वन, ठीक है. तो आज के बाद आपने ये नहीं कहना है कि वाई इज़ दिस हैपनिंग विथ मी, राइट. सो इट हैपन्स विथ एवरी वन. देन आफ्टर दैट इट्स लाइक यू नो वट आर द इशूज़, यू नो, और विच इशूज़ और विच प्रॉब्लम्स और थिंग्स जिन पे हम ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, ठीक है, जिन पे हम ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं. तो उनमें जो है ना, मतलब सम इशूज़ आर रिगार्डिंग स्टडीज़ एंड सम आर एक्सटर्नल. तो पहले मैं रिगार्डिंग स्टडीज़ बोलूँगा. वन थिंग इज़ लाइक यू नो फियर ऑफ फेलियर, ठीक है, फॉर माई ड्रॉपीज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है. तो स्पेशली क्या होता है कि जो लास्ट ईयर का सेटबैक, लास्ट ईयर का फेलियर होता है, उसकी वजह से जो है ना, आप को दिमाग में ये चीज़ रहता है कि कहीं इस बार मेरा फिर से सिलेक्शन ना हो जाए, ठीक है. अगर मैं फिर से ड्रॉप हुआ तो मैं क्या करूँगा, घर वाले क्या बोलेंगे, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, इतने साल ज़ाया हो गए, ठीक है. तो दिस प्रोसेस, यू नो, मतलब दिस इज़ द वन रीज़न, दिस इज़ द वन कॉज जिससे जो है ना आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हो, ठीक है. एंड द सेकेंड थिंग इज़ लाइक यू नो, जब प्रिपरेशन के लिए आपको कम टाइम होता है, लाइक इस टाइम आपके पास ओनली देयर आर 2 मंथ्स, जिन्होंने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया होता है, ठीक है, वो भी ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं कि अभी हमने क्या करना है, क्या, मतलब अभी वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं कि आप कैसे करना है, क्या करना है, हाउ टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, कब रिविजन करना है, लाइक दैट. और इसी तरीके से जब आप जो है ना प्रिपरेशन करते हो, प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस एंड ऑल दैट, तो आपके दिमाग में ये थॉट आता है कि कल को एग्जामिनेशन के दिन क्या मैं वहाँ पे जो एग्जामिनेशन का जो स्ट्रेस होता है, क्या मैं उसको हैंडल कर पाऊँगा, ठीक है, क्या पता वहाँ पे क्वेश्चंस ठीक हो जाएंगे, ठीक है, मतलब लाइक दीज थिंग्स आप इश्यूज़ जो है ना ये प्रेडिक्ट करते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें. इसके अलावा जो और एक चीज़ रीज़न रहता है, दैट इज़ यू नो एक्सटर्नल, दैट इज़ यू नो कोई हेटर होता है आपका, ठीक है, कोई आपको सपोर्ट नहीं करता इन योर इन दिस जर्नी, तो उसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हो कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, ठीक है. इमोशनली आप मतलब ब्रेक होते हो, यूर मतलब स्पिरिचुअली, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी, जिनकी वजह से आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हो, ठीक है. नाउ मतलब वी आर गोइंग टू, मतलब अब हमने देखना है कि मतलब इज़ इट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ कि आपने ओवर थिंकिंग में चले जाना है, ठीक है, इज़ इट गुड, ठीक है, इज़ इट प्रॉफिटेबल. तो हमने देखना है कि क्या ये हमारे लिए ठीक है कि नहीं है. देखो, अगर हम देखेंगे ओवर थिंकिंग से होता है क्या, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, पहली बात ये है कि जब आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हो, आपका सारा टाइम वेस्ट होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना वो सारा बर्बाद होता है इस प्रोसेस में. एंड द सेकेंड थिंग इज़ जो है ना, आप मेंटली एंड यूर मतलब इंटरनली जो है ना आप बहुत अनस्टेबल फील करते हो, ठीक है. तो आपने क्या करना है कि दीज आर द टू मेन कॉन्सिक्वेंसेज जिनको अपने दिमाग में रखना होता है, कि वन इज़ द वेस्टेज ऑफ टाइम एंड अनदर इज़ द अनस्टेबिलिटी, ठीक है, लैक ऑफ इनर पीस. और इसके और ओवर थिंकिंग से क्या होता है कि अगर कोई भी इशू होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, दीज आर सम रियल इशूज, लाइक कोई हेटर आपको कुछ बोलता है, ठीक है, प्रिपरेशन ठीक से नहीं जा रही है, लाइक आप प्रेडिक्ट करते हो अपने सिलेक्शन को, अपने रिजल्ट्स को प्रेडिक्ट करते हो, ठीक है. तो दीज आर सम रियल इशूज, बट ओवर थिंकिंग की वजह से क्या होता है कि ओनली वन थिंग विल बी देयर, your problem, your size of the problem will increase. That is the only thing overthinking की वजह से जो होगा, size of problem will increase. अगर कोई छोटा issue भी होगा, उस मतलब overthinking की वजह से जो है आप उसको इतना ज़्यादा खींचते हो, इतना ज़्यादा उस पर मतलब focus करते हो कि as if कि वो बिल्कुल पहाड़ जैसा लग रहा है, ठीक है. और बिल्कुल जब आप overthink करते हो ना, your mind gets involved, your brain gets involved, और आप बिल्कुल जो है ना exhausted feel करते हो, ठीक है. So हमेशा इस चीज़ को दिमाग में रखना है कि ओवर थिंकिंग इज़ नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ, राइट. अच्छा, उसके बाद आपको किस तरह से इसको अवॉइड करना है ओवर थिंकिंग को. वन थिंग इज़
दैट इज़ दिमाग में कॉन्सिक्वेंसेस को रखना है, ठीक है, कि कुछ हासिल नहीं होता है ओवर थिंकिंग की वजह से, बिल्कुल इंसान परेशान रहता है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज़ अवॉइड द फ्रीडम ऑफ योर माइंड, अपने दिमाग को बिल्कुल फ्री नहीं रखना है, ठीक है। स्टे बिजी विथ योर टारगेट, स्टे बिजी विथ योर स्केड्यूल, स्टे बिजी विथ योर स्टडीज। जो ही आपका दिमाग फ्री होता है, वंस यू लूज योर कॉन्टैक्ट फ्रॉम योर बुक्स, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि आपका दिमाग फ्री रहता है एंड यू गेट्स यू नो योर माइंड गेट्स इन्वॉल्व इन मतलब ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिव थाट्स एंड ऑल दैट, ठीक है। सो बेहतर यह है कि बिजी रहना है अपने स्केड्यूल के साथ, अपने दिमाग को बिल्कुल फ्री नहीं रखना है, ठीक है। और उन इंटरवल्स और इन जैसे मतलब बाइक से दैट हॉट स्पॉट जो होते हैं ना, लाइक वो क्रिटिकल इंटरवल्स, कोई ऐसा मतलब जो इशू होता है जिसके बारे में आपको लगता है कि 24 आवर्स में कोई ऐसा इंटरवल होता है जिस इंटरवल में मैं ओवर थिंकिंग में चला जाता हूँ या चली जाती हूँ, लाइक कोई क्वेश्चन ठीक नहीं हो पा रहा है, टेस्ट में कम स्कोर आ रहा है, तो इन इंटरवल्स पे आपने बिल्कुल फोकस्ड रहना है एंड बी रियलिस्टिक इनफ, ठीक है। कोई हेटर कुछ भी बोले, आपको एग्जामिनेशन के लिए कम टाइम है, ज़्यादा टाइम है, जस्ट फोकस ऑन योर एफर्ट्स, बी रियलिस्टिक, बिकॉज your thoughts, your मतलब haters का opinion, your own negative thoughts, these are not going to decide your success, these are not going to decide your selection, right? तो आपका जो है ना, your only your efforts are going to decide आप कहाँ पर land करोगे, ठीक है। So these were some important things जिनको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। So आज के बाद ओवर थिंकिंग में नहीं इन्वॉल्व होना है, दिमाग को बिल्कुल फ्री नहीं रखना है एंड बी रियलिस्टिक इनफ। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मिस्टेक हो रही है, कोई मतलब मैं अपना बेस्ट एफर्ट नहीं दे पा रहा हूँ, सो किस वजह से, किस रीज़न की वजह से अपना बेस्ट एफर्ट नहीं दे रहे हो, उस रीज़न को, उस मिस्टेक को आपने एलिमिनेट करना है एंड ट्राई टू गिव योर बेस्ट एवरी सिंगल डे, सो दैट कि जो है आपको कोई नेगेटिव ऑप्शन ना बचे, कोई नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में, हाँ नेगेटिव थॉट्स आएंगे बट कोई भी ऐसा नेगेटिव थॉट फिर एक्सेप्टेबल ना हो, उसको हमने फॉलो ना करना पड़े, ठीक है। सो दीज आर सम थिंग्स जिनको आपने फॉलो करना है इन दीज लास्ट मंथ्स, इवन इफ यू आर इन ग्रेड 11th और 12th, ओवर थिंकिंग इज ओनली गोइंग टू डैमेज योर इनर पीस, इट्स ओनली गोइंग टू वेस्ट योर टाइम, इट्स ओनली मतलब इसका ये इसके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेज है, ठीक है। सो मेक श्योर दैट इन कॉन्सिक्वेंस को दिमाग में रखना है इंशाल्लाह एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। एंड आप खुद को क्यों परेशान करोगे अननेसेसरली, अभी देर आर 2 months आर देयर, और मे बी इफ यू आर ग्रेड 11th और ग्रेड 12th और इवन इफ यू हैव ज्वाइन 1 year कोर्स फॉर नीट, अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है। सो वाई ओवर थिंकिंग, मतलब क्यों ओवर थिंकिंग में इन्वॉल्व होना है, ठीक है। सो इस चीज़ से बचना है, दिमाग को फ्री नहीं रखना, एंड बी केयरफुल अबाउट दोज इंटरवल्स जब आपको लगता है कि मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाऊँगा, बी केयरफुल एंड मेक श्योर दैट यू रिमेंबर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओवर थिंकिंग। थैंक यू।